जैसा कि आप लोगों ने देखा, बच्चों के हौसला को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रबंधक महोदय, टीचर महोदय, इन लोगों को माल्यार्पण किए और मिठाई भी खिलाए और इनका हौसला अफजाई किए। अभी कुछ टीचर महोदय यहाँ पे खड़े भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में उनका क्या योगदान रहा है या वो क्या कहना चाहते हैं उनके आगे आने वाले भविष्य के बारे में बच्चों के। क्या नाम है आपका? ज्ञानदास चौधरी। ज्ञानदास चौधरी जी, तो आप यहाँ पे क्या टीचर हैं? अच्छा, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? से लेकर के पढ़ाता हूँ, समाज का टीचर हूँ। ये लोगों को समाज के हर पहलू पर मैंने ज्ञान दिया जी जी, और यह कामना करता हूँ कि समाज में बच्चे जहाँ भी रहे समाज में उच्च स्थान इसको प्राप्त हो। अध्यापक जी, इसमें आपके जो बच्चे हैं यहाँ जिस तरीके से पहुँचे, जो कि आपका एरिया है ब्लॉक का, उसमें सबसे टॉप मोस्ट में बच्चे आए हैं। तो टॉप मोस्ट में आए हैं, हम इन लोगों को दो राउंड समाज पढ़ाया हूँ जी, और एक भी नोट नहीं कराया हूँ। दो दो बार आपने पूरी किताब पढ़ा दी? पूरा पढ़ाया हूँ और एक भी क्वेश्चन नोट नहीं कराया जी। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्कूल की कुछ ना अपने आप में एक क्वालिटी होती है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपने किताब को ही पूरा चैप्टर पूरा सेमेस्टर नहीं कर पाते हैं। यहाँ जैसा कि टीचर महोदय बता रहे हैं कि इन्होंने एक ही किताब अपनी दो दो बार बच्चों को पढ़ा दी, इसलिए इस स्कूल का कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा होगा। क्या नाम है आपका? सुदामा प्रसाद चौरसिया। सुदामा प्रसाद चौरसिया जी, आप भी स्कूल में टीचर हैं? प्रधानाचार्य जी हैं। अच्छा, से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़ाता। अच्छा, इंग्लिश आप पढ़ाते हैं। तो आपको इन बच्चों में जो इंग्लिश, जैसा बता रहे हैं आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो यहाँ जो ब्लॉक स्तर या गांव स्तर के ये बच्चे आते होंगे इस माहौल से, आपको नहीं लगता कि जो इंग्लिश का अभी अपने यहाँ पे रिवाज है वो पूरी तरह से आया नहीं स्कूल पे? प्रयासरत हैं और आगे और अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा भी कुछ कमियाँ हैं इस कारण से जो है बच्चे अभी अपना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जो है अथक परिश्रम के द्वारा जो है इससे आगे बढ़ सकते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा जो है बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, इन बच्चों में जो आपके स्कूल के टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, और भी बच्चों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में, भविष्य के बारे में? जी सर, बताएं। मैं चाहता हूँ कि जो और शेष बच्चे हैं उनको सही ढंग से शिक्षा दिया जाएगा, बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए इन्हीं बच्चों से उनको भी, ताकि वे बच्चे भी जो है इनके साथ आगे जो है बढ़े और भविष्य में जो है अपने नाम को, अपने विद्यालय के नाम को और अपने स्कूल के नाम को रोशन करें, ताकि जो है ये आगे बढ़ करके समाज की सेवा कर सकें जी। तो जैसा कि आप लोग देखें, अभी बच्चे जो भी यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, ये हाई स्कूल के बच्चे हैं इसमें, और इनसे ही बात करना चाहेंगे, आप लोगों को बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? प्रतिभा जी। आप ग्राम सभा से ही गांव के आसपास की हैं, गांव से पढ़ाई कर रही हैं, तो आप किस क्लास में हैं अभी? तेज में बोलो। हाँ, ग्यारहवीं में गई हैं, अभी हाई स्कूल पास की है ना, यूपी बोर्ड है ना। तो आपको जो आपने स्कूल किया, इससे क्या अलग से भी आपने कहीं कोचिंग वगैरह किया था? कहीं कोचिंग नहीं की थी? तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस था या कोई प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं कर पाई कोचिंग? नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं था, हमें सर लोगों की पढ़ाई पर भरोसा था, हम पर रहते। अच्छा, आपको अपने ऊपर भरोसा था। तो अभी आपको क्या लगता है, जैसे हाई स्कूल में आपने कितना परसेंट नंबर लिया? 80% आप पाई हैं। आगे थोड़ा सा और कोशिश करने के लिए आपको क्या लगा कि आप उससे ज्यादा नंबर ला सकती थी, कहाँ चूक हो गई? कुछ चूक होगी ना जो 80% तक रह गई, नहीं तो थोड़ा सा और आगे जाती ना। कहाँ से ऐसा नहीं कि कहीं, जैसे आपने बताया कि हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, तो कोचिंग थोड़ा की होती या और थोड़ा सा स्ट्रगल की होती तो बढ़िया मार्क्स आ सकते थे। अगली बार करना है ठीक। अभी आप जो जितनी भी आपने पढ़ाई की है,
अभी हाई स्कूल की, और जो भी 80% बहुत बच्चे फेल भी हो गए होंगे, बहुत बच्चे वहाँ तक भी नहीं आ पाए होंगे आप तक भी जो 80% तक है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, अपने आप को, टीचर को या अपने मम्मी पापा को? अपने टीचर को भी, अपने मम्मी पापा को। ज्यादा किसको? ज्यादा अपने टीचर को। टीचर सर को ज्यादा सहयोग टीचर ने आपका किया? हाँ, ऐसा तो नहीं मम्मी मम्मी काम करवाती जाते नहीं, अब की बार मेहनत करना, सबसे टॉप पे आना, ठीक है? तो काम है आपको, क्या नाम है आपका? सपना। सपना, आप किस क्लास में हो? हाई स्कूल में इस टाइम है, 11th में है। अब की बार आपका कितना परसेंटेज आया? 91.66% तो जैसा कि सल्टौआ ब्लॉक में जो अपना ये क्षेत्र है, एरिया सल्टौआ ब्लॉक का ये जो अपना एरिया है, इसमें हमको लगता है कि सबसे टॉप टॉप का जो नंबर है 91.66 ये है। तो आपको क्या इसका जो आपने इतना नंबर लाया, तो कहीं कोचिंग वगैरह कर रही थी आप? नहीं कुछ नहीं, हमने कोचिंग नहीं किया। कोचिंग नहीं की, नहीं। वजह क्या थी? सर मुझे घर पे भी सपोर्ट मिल रहा था पढ़ाई में, फिर उसके बाद हमारे टीचर जो थे जितने घर में कभी डाउट में नहीं रखा, हम जितने भी क्वेश्चन करते थे उसका आंसर हमें टाइम से दे दिया जाता था, कभी भी गेस्ट में नहीं रखे थे, इसलिए हम हमें कोचिंग की जरूरत थी नहीं पड़ी। अच्छा। हम यहीं से। तो ये जो कोचिंग करने जाते हैं बच्चे, हमको एक वजह आप बता सकती हो कि कोचिंग इसीलिए करने जाते हैं बच्चे? कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा रोक के बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि हमको जो यहाँ के टीचर थे स्कूल के, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, हमारे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया पूरा, तो क्या जो बच्चे अलग से जाते हैं कोचिंग के लिए, क्या वहाँ पे या उस स्कूल में जहाँ पे वो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर पढ़ाते नहीं है, या उनको उस स्कूल पे टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ ऐसा होता है क्या इसलिए जाते हैं बाहर पढ़ने? सर इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई कितने भी बड़े स्कूल पे क्यों ना पढ़ ले, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे कहाँ कहीं भी पढ़ ले, कितने भी महंगे स्कूल पे पढ़ ले, कोई भी टीचर पढ़ा दे, लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी, हम पढ़ाई में टाइम नहीं निकालेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हैं ना, पहले तो स्कूल पढ़े, फिर अपने घर पे पढ़े, उसके बाद कोचिंग जाके पढ़े, तो वो तो बहुत ही मतलब कोचिंग भी किया, स्कूल भी किया, घर पे भी पढ़ा, वो तो टाइम ही टाइम ज्यादा निकाल लिया फिर पढ़ाई में। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं टाइम पास इधर उधर। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कोचिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर हम स्कूल में सही से पढ़ाई करें दिल लगा के, स्कूल और घर पे, तो इतना समय पर्याप्त होता है पढ़ाई के लिए, है ना, कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका श्रेय स्कूल टीचर को देना चाह रही हैं, मम्मी पापा को या खुद को? मैं इसका श्रेय अपने बड़ी बहन मिस नेहा जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है, मेरे को पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, कभी काम के लिए कुछ भी नहीं, हम कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो बस उनसे ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता है, उसके बाद मैं अपने परिवार वालों को और टीचर वालों को देना चाहती हूँ, टीचर्स को। आगे क्या करना चाहती हैं? अभी तो हाई स्कूल है आपका, कुछ आगे सोचा है आपने कि ये करना है? सिविल सेवा एग्जाम मुझे निकालना है, बस हमें समाज की सेवा करना है, और यही चाहते हैं कि हमें समाज की सेवा करना है, और यही सोचेंगे कि हाईएस्ट पोस्ट मिल जाए कुछ भी, लेकिन हमें समाज की सेवा ही करना है। समाज सेवा के लिए जो भी आपको पोस्ट मिले, yes, आपको समाज सेवा करना है। हाँ, जो भी मिलेगा हम समाज सेवा के लिए करेंगे। ऐसा तो नहीं कहीं नेता होता बनना चाहती है? नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो नेता भी कहते हैं हम समाज सेवा में नहीं उतरना है, हमें पढ़ाई करके जाना है। सिविल से आप कुछ yes करना चाह रही हैं, बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे जो आपके आपके साथ के बच्चे थे जो आप तक नहीं पहुँच पाए, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि ये चीज की होते तो आज मेरे पास होते, यहाँ खड़े होते? लाइन बिल्कुल कमी उन्हीं लोग में थी, वो लोग टाइम नहीं दे रहे थे, उनको कुछ समझाइए बता दीजिए कुछ कि ऐसा करना चाहिए था तुमको जब हम आज हमारी लाइन में खड़े होते, उनको बताइए। क्या बताए सर, वो खुद ही लापरवाही कर, मतलब पढ़ना चाहिए उनको भी, टाइम निकालना चाहिए, पढ़ाई ऐसा नहीं होता कि टफ लगता है, टफ तो तभी लगेगा जब वो तुम्हें आएगा नहीं, अगर हम उसको एकदम इजीली वे में उसको समझ सकते हैं, समझाने वाले समझाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई समझा नहीं, अगर समझना चाहे तो हम कुछ भी समझ सकते हैं, बस उसमें फोकस नहीं करते, अगर उसको हम सही फोकस कर रहे हैं ना तो कुछ भी नहीं डिफिकल्ट रहेगा, सभी ये हो जाता है।
मतलब सिर्फ एक शब्द में अगर कहा जाए तो उनको पढ़ाई पे केवल अगर फोकस करेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिक्कत जाएगा। क्या नाम अपना बताया? अपना सपना। आप अपनी बहन का क्या नाम बता रही हैं? मिस नेहा जी। चलिए नेहा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सपना यादव जी। आप भी ग्रामीण अंचल से आती होंगी, तो आपको पढ़ाई में क्या ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़ी जो कि आप अगर शहर में जाके पढ़ती वो आपको मिल सकता था, जिसकी कमी आपको लगी, या कुछ ऐसा नहीं था? नहीं नहीं, मैं मेरे सपना फिर से मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे जो प्रॉब्लम कुछ जैसे गांव में होती है, कभी लाइट नहीं, कभी रोड सही नहीं, कभी भोजन टाइम से नहीं, हो सकता है कभी गैस खत्म हो जाए, मतलब तरह तरह की चीज़ें गांव में आ जाती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपने कभी ये कमी महसूस की कि अगर आप शहर में रहती या शहर की चीज़ें या शहर की स्कूलों में पढ़ती, इस नंबर से जितना नंबर आप अभी लेके आए, कितना परसेंट लेके आए? 80.33। तो ये नंबर आपका बढ़ सकता था, ऐसा महसूस हुआ क्या कभी आपको? महसूस करती हैं तो क्या करना चाह रही हैं कि आप इससे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं? नहीं, चलो कुछ नहीं बेटा, ठीक है। क्या नाम है? विशाल। विशाल जी, विशाल जी आप कहाँ से हो? अपना अपना बोलते हैं। चलो कम से कम ये तो दिखा कि इतनी लड़कियों में कम से कम दो लड़के तो खड़े हैं, क्यों? ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो बच्चियां हैं हमारी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और कई बच्चों का भी देखो टॉप, यूपी टॉप एक लड़की कर रही है, लड़का नहीं, इसका मलाल है कहीं? लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं तो। हाँ, तो लड़के क्यों नहीं? लड़के घूमने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, विशाल एक बात बताओ, मतलब एक ही कारण है कि लड़के घूम रहे हैं लड़कियाँ पढ़ रही हैं? नहीं, और भी कारण है। और क्या आपको क्या कारण लगता है? मोबाइल आ गया है तो ज़्यादा बच्चे भी ये सब गेम वेम खेलते हैं। बच्चे बच्चियाँ गेम खेल नहीं रही हैं अब उस लेवल पे, तो नहीं खेल जिस लेवल पे लड़के खेल रहे हैं। कितना परसेंट आपका आया? 89.66। तो आपने भी कभी कोचिंग वगैरह की है? नहीं। आप भी कोचिंग नहीं किए? मतलब इस स्कूल के कोई भी बच्चे कोचिंग में नहीं गए? सारे यही स्कूल से ही किए हैं जो भी किए हैं। कभी आपको लगा कि हमको इस विषय में थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है, कोई हमको बता देता तो और टॉप पे आ जाते? कला विषय में मेरा नंबर कम था उसका, कला में, कला में आप थोड़ा सा जीरो हैं, यही है, एकदम जीरो हैं क्या? नहीं, है नॉर्मल। नॉर्मल है, मतलब कला अगर आपको आ जाए तो आप टॉप कर जाएंगे, यही है, है? कला की थोड़ा सा और टीचिंग कर लीजिए, कला वाले जो टीचर हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमको बताइए गुरुजी, नहीं तो हम बहुत बैक हो रहे हैं। खैर, अब आगे जब जाओगे तो इंटर के बाद में आपको प्रॉब्लम कम हो जाएगी इसकी। हाँ, उसके बाद कला का पेपर नहीं है। कितने? 80 पॉइंट बता रहे हैं ना? 89.89 है। अच्छा, तो अभी सबसे टॉप का विषय आपको क्या लगता है? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस, क्या बनना चाह रहे हैं? इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे इंजीनियर, है ना? हैं? चलिए, जो अभी आपने जो पढ़ाई की है और आपने जो ये नंबर लाए मार्क्स, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? पहले अपने माता पिता को, उसके बाद स्कूल के सारे स्टाफ, ज्ञानदास गुरु जी और सुदामा सर और धर्मेंद्र सर और टीचरों ने, सभी ने मेहनत किया, इसका श्रेय माता पिता और स्कूल के टीचरों को, टीचरों को जाते हैं। क्या नाम है अपना? नीरज। नीरज जी, क्या करना चाहते हैं? नीरज जी, आप कितना परसेंट मार्क्स कितना लेके आए? 82.66। क्या करना चाहते हैं? पढ़ के क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बनेंगे। पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर? अच्छा, डॉक्टर बन गए आप भी समाज सेवा करना चाह रहे हैं? हाँ, आपने जो ये परीक्षा पास की है इसका
असली हकदार कौन है? आप ही हैं? टीचर्स लोग हैं वहाँ पर। नहीं, किसने आपको ज्यादा सपोर्ट किसने किया कि आप यहाँ तक पहुँचे? टीचर्स लोग, माता पिता, भाई बहन या आप खुद? आपने इतनी मेहनत की कि आप यहाँ तक पहुँचे? टीचर लोग और मैंने खुद ही मेहनत। टीचर्स ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया। डॉक्टर बनेंगे आप? डॉक्टर जब बनेंगे याद रखिएगा, हमारे ही कराएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका बेटा? ममता जी। कितना परसेंट नंबर आपका आया? 83.66। कितना परसेंट आपका आ गया? हाई स्कूल आपका भी है। कहाँ आपको लग रही थोड़ी सी टीस की आपने, वो क्या नाम बताई थी अभी आपके स्कूल को? सपना। सपना से आपका जो नंबर कम आ गया वो कहाँ से, चूक कहाँ से हुई आपका? है टीचर ने आपको सही से बताया नहीं? हाँ, तो अब की बार में चूक खत्म करना है। ठीक है, अब की बार सपना से ज्यादा नंबर लेके आना पक्का है। आप क्या बनना चाह रही हैं पढ़ाई करने के बाद? पुलिस में जाना चाह रहे हैं आप? पुलिस में जाके समाज सेवा करना चाह रहे हैं, है ना? है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाह रही हैं? सबसे पहले सबसे टीचर, क्योंकि सबसे पापा मम्मी रहते थे, मम्मी को आता नहीं था, इसे सबसे पहले टीचर की मम्मी। अच्छा, और विकास यादव, मतलब सर जी हम लोग नाइन्थ में इतने कमजोर थे, वही आकर हम लोग को इतना तेज बनाया, मतलब विकास है। विकास यादव जी आपको अलग से कोच किए कि आप थोड़ा सा? हाँ, उन्होंने हमें बताया कि पढ़ाई का महत्व क्या है, पढ़ाई हमारे लाइफ में कितना जरूरी है पढ़ाई का। विकास जी आपको बताया, तो अभी इस स्कूल में पढ़ाते हैं विकास जी? यहीं इसी उन्हीं का स्कूल है। अच्छा, उन्हीं का स्कूल है, तो वो आपको मोटिवेट किए? तो अभी आपको लगता है, मतलब एक साल हो गया जब आपको मोटिवेट किए हो, एक साल में आपका थोड़ा सा माइंड खुला कि हमको पढ़ाई में क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये टेंथ ही तो है ना? तो आपको पुलिस बनना ही है, अब की बार मार्क्स भी ज़्यादा लेके आना है। ठीक है, तो कहीं टीचिंग वगैरह हुआ, कहीं गई आप कोचिंग वगैरह? नहीं, आपको फुल सपोर्ट मिल जाता है इस स्कूल से कि कोचिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, क्या नाम है आपका बेटा? रागनी। रागनी जी, आप कहाँ से आती हैं? रिहार जंगल से। इसी इसी जगह से जहाँ का ये स्कूल है? तो आपको आने जाने में तो टाइम लगता नहीं होगा ज्यादा? नहीं नहीं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मुंबई में लादी पाले करते हैं। तो मम्मी? मम्मी घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ। तो आपको पढ़ाता कौन है घर से? हम अपने टीचर से, मतलब टीचर जो पढ़ाते हैं स्कूल पे उनकी मदद से, और घर पे पढ़ते थे। नहीं, घर पे अगर जैसे कोई क्वेश्चन फंस गया तो कैसे सॉल्व होता था? दूसरे दिन स्कूल आके नहीं तो उसको मतलब उस पर टिक लगा के रखते थे और स्कूल पे आते थे, जो नहीं आता था सर बता देते थे। तो आपका सॉल्व यहाँ स्कूल में हो जाता है? यस। तो आपको, आपका कितना परसेंट है? 85.66। तो क्या लगा आपको कि टीचिंग कहीं गई थी आप भी कोचिंग वगैरह करने? नहीं सर, हम अपने सर के सपोर्ट से, मतलब यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब सर के सपोर्ट से हैं, कोचिंग वगैरह कहीं नहीं? नहीं। तो कोचिंग करना जरूरी होता है या नहीं? वैसे तो कोचिंग करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्कूल पर पढ़ाया जाता है वही सब्जेक्ट कोचिंग पर भी पढ़ाया जाता है। तो ज्यादा मतलब समझ में आ जाए तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाए कोचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कोचिंग बेसिकली बच्चे जाते किस लिए हैं? स्कूल में उनको समझ नहीं आता इसलिए क्या? हाँ, कुछ लोग का ऐसा भी हो सकता है, स्कूल में समझ में ना आए इसलिए कोचिंग जाते हैं। और कोचिंग जहाँ तक हमको पता है 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे का। हाँ। स्कूल की टाइमिंग होती है 6 से 8 घंटे की,
तो जब स्कूल में 6 से 8 घंटा जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको 1 घंटा कोचिंग में कैसे समझ में आ जाता है? उनका प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगा कि थोड़ा सा अंक और बढ़ सकता था, आपका कहाँ से चूक हुआ? हमने साइंस में थोड़ा कम रिव्यू किया था, इसलिए साइंस में मेरा कम नंबर आ गया। क्यों, घर पे खाना बनाने के? नहीं हाँ, इसमें दिल नहीं लग रहा था उसमें विषय में। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा कुछ था, नहीं तो उसी पे दिल लगाओ अभी, है ना? तो थोड़ा सा अभी आप क्या करना चाह रही हैं पढ़ाई करने के बाद? आप भी पुलिस बनना चाह रही हैं, और पुलिस बन के देश की सेवा करेंगी? ऐसा तो नहीं जैसे कि फिलहाल में लगता है कि जो कुछ भ्रष्ट टाइप के होते हैं ना, पुलिस के नाम से बच्चों को खौफ हो जाता है, लोगों को खौफ हो जाता है। कुछ टाइम से थोड़ा सा चेंज हुआ है, नहीं तो पुलिस का नाम लेते ही लोगों को लगता था अरे यार कौन आ गया, है ना? ऐसा होता है, जैसा कि हम बहुत सारे जगह जाते हैं लोग ऐसा, मतलब पुलिस का नाम लेते ही लगता है उनको कुछ अलग कोई आ गया। तो ऐसा नहीं, हम लोग फ्रेंडली रहेंगे। हाँ, इंसान ये तो डरना। अच्छा, चलिए आप भी पुलिस बनेंगी, देश की सेवा करेंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे थे अभी, ये डीडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल रिहार जंगल का है, और यहाँ के बच्चे थे जिस एक एक करके हमने सभी से बात की, और उन्होंने अपना मत रखा, चूंकि ये ग्राम सभाएं हैं, ग्रामांचल है ये, और यहाँ के बच्चे अगर इस तरह से मेहनत करके, जबकि कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं किए, और ऐसी जगह पे बच्चे पढ़ने के बाद, जो कि ये स्कूल है बहुत पब्लिक जो भी है यहाँ पे, कम से कम ग्राम सभा या गांव की ही यहाँ पे आबादी आपको मिल जाएगी, शहर से थोड़ा हटके है ये स्कूल, फिर भी यहाँ पे जितनी सुविधाएं आप बच्चों से भी सुन लिए होंगे, या जिस तरह से टीचर ने बताया बच्चों के लिए, उन लोगों ने कितनी कोशिश की इस स्कूल के टीचरों ने और बच्चों ने खुद की, कि कम से कम वो 91 से 92 पॉइंट लेके आ रहे हैं अगर, तो बहुत बड़ी बात है ऐसी जगह पे जो कि ग्रामांचल का एरिया होता है, ऐसी जगह से लेके अगर बच्चे यहाँ तक उठ के आए हैं, तो उन बच्चों को और भी सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को भी, उनकी फैमिली को भी, और जैसा कि यहाँ के टीचर करते भी हैं। और हम तो कहेंगे कि अगर आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में एक बार जरूर दाखिला दीजिए, यहाँ के टीचरों से भी आके मिलिए, यहाँ का माहौल देखिए, और उन बच्चों से मिलिए जो कहीं भी जाके क्लास, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिए, ना ही कहीं कोचिंग वगैरह किए, और इतना परसेंट नंबर लेके आए, उनको भी RNTV रिपब्लिक न्यूज टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अभी तक आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के साथ।